सो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले फैक्ट्री हेल्पर जॉब वैकेंसीज इन हैदराबाद। दोस्तों रिक्वेस्ट यही करूंगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए इन्फॉर्मेशन जो भी होता है ना मैं पूरा देता हूँ। देखिए अभी फैक्ट्री हेल्पर में बहुत सारे वैकेंसीज निकले हुए हैदराबाद लोकेशन में। देन कॉन्टेक्ट नंबर सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन खोल के देख लो पहले। तो देख लिया आपने डिस्क्रिप्शन खोल करके, देखिए कॉन्टेक्ट नंबर, इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन कौन से फैक्ट्री में अभी जॉब अवेलेबल है, देन कौन कौन से फैक्ट्री में आपको सैलरीज कितना मिलने वाला है। रिक्वेस्ट यही करूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक नाउ दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो की सब नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली एंड टाइमली मिल पाएगा। देखिए दोस्तों पहला जो कंपनी होने वाला है वो बिस्कुट फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है, जिसमें आपको मतलब मैंने बता दिया, पहले इंडस्ट्रीज के बारे में बता देता हूँ, कुछ फैसिलिटीज है जो बता देता हूँ। सपोज फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम करने जाते हो हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में काम करने जाते हो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में, तो आपको रहने की सुविधा बिल्कुल फ्री होती है, खाना आपको खुद से बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गैस का अरेंजमेंट ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा। देन ये बताना ज़रूरी इसलिए होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा है वैसा है, वैसा नहीं है। तो फर्स्ट है बिस्कुट फैक्ट्री में 12 आवर्स की ड्यूटी है, 14,000 रुपीस सैलरी है, प्लस रूम है, प्लस मतलब रूम है और इसमें प्लस PF ESI ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाएगा आफ्टर 6 मंथ काम करोगे वहाँ पे। तो दूसरा है टाटा टी कंपनी है हैदराबाद में ही है, उसमें 20 लोगों की ज़रूरत है, सैलरी 10,500 है, 8 घंटे ड्यूटी की और संडे में अगर करते हो तो डबल पैसा मिलेगा, प्लस ओवर टाइम है, 4 घंटे ओवर टाइम मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर 4 घंटे कंपलसरी नहीं दिया गया है, बिकॉज यहाँ पर मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते, लेकिन एक बार बात कर लेना क्या सिस्टम है इसका। देन यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ की ही मैंने बात किया है, तो यहाँ पर प्लास्टिक कंपनी, प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री हो गया, PVC फैक्ट्री हो गया, बोतल फैक्ट्री हो गया, मतलब टी का फैक्ट्री हो गया, जो चाय बनते उसके फैक्ट्री हो गए, ऑलमोस्ट बोले ना भाई तो बहुत सारे वैकेंसीज हैदराबाद में है अभी अवेलेबल। लेकिन कैसे मिलेगा, कैसे आपको जॉब्स मिलेगा? देखो ऐसे एजेंसी में जाते हो तो एजेंसी में 1,000 से 1,500 रुपये ले जाते हैं, ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, लेकिन आपके साथ में फिर भी स्कैम्स हो जाता है, देन जॉब्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ये जो जॉब्स का एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ ना, ये एनजीओ के माध्यम से है जो आपको जॉब्स 110% मिलेगा। देखिए कॉलिंग नंबर पर आपको कॉल करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है। देखिए ऑलमोस्ट हैदराबाद में चार टाइप के वैकेंसीज रहते ही हैं इनके पास में, वैकेंसीज रहते हैं, लोगों का डिमांड हमेशा रहता है। तो क्या करना है, कॉल करना है, बात करना है। सब आप बोलोगे कि इसमें पैसा भी लगता है, देखिए गवर्नमेंट का GST जो 150 रुपये होते हैं वो लगता है आपको, वो पेड करना पड़ेगा, तो वो 150 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, देन आपको जॉब्स ईजिली मिल जाएगा। देन मैं बात करता हूँ, अगर आप बिहार से हैं तो आप ऑफिस में ही इनके विजिट करो, ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, मोतिहारी में इनका ऑफिस है और देन सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलता है। अगर हमारा चैनल का रिफरेंस अगर आप देते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स ऑलमोस्ट मिलता है। और दोस्तों अगर जॉब्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशंस होगा ना आपको टाइमली एंड इमीडिएटली मिल पाएगा। गाइज बहुत सारे चैनल्स ऑलमोस्ट है, लेकिन बहुत सारे चैनल्स फेक काम भी करते, फ्लड भी करते, फ्रॉड भी करते, लेकिन हमारा मकसद वैसा नहीं है। हम ना लोगों से पैसा मांगते हैं, ना ही हम कोई जॉब देते, हम इंफॉर्मेशन ऐसा देते कि लोगों को जॉब्स मिल जाए, बट बस यही मेरा काम है और मतलब यही काम करते रहेंगे। तो देन कॉल करना है, हमारे चैनल का रेफरेंस देना है, उसके बाद जॉब्स लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी, कोई नया इन्फॉर्मेशंस ले करके, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।